राय कॉलोनी रोड स्थित भवानीगिरी मठ में शुक्रवार को भवानीगिरी महाराज की 21वीं बरसी महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मठ प्रांगण में प्रातः आरती के साथ समाधि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दोपहर में प्रसादी वितरण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कई साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। बाड़मेर शहर के राय कॉलोनी स्थित भवानीगिरी मठ में शुक्रवार की रोज श्रद्धा और आस्था की सरिता बहती नजर आई। मौका था महंत भवानीगिरी जी की 21वीं बरसी का। जिले के विभिन्न गांवों एवं शहर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मठ स्थित भवानीगिरी महाराज की समाधि पर शीश झुकाए। दिन भर मठ में भक्तों की रेलम पेल लगी रही। श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी और लंगर का भी विशेष आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने दिन भर भजन कीर्तन कर महंत भवानीगिरी जी को याद किया। बरसी कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मठ के वर्तमान गादीपति महाराज खुशाल गिरी जी ने हिंदू धर्म में गुरु की महिमा को अनंत बताया। गुरु के बिना ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति को असंभव माना। साथ ही उन्होंने केवल हिंदू ही नहीं अन्य धर्मों में भी गुरु को अलग अलग नामों और स्वरूपों में ईश्वर से मिलन के लिए अहम आधार बताया। उन्होंने गुरु भक्तों को ध्यान साधना की ओर प्रेरित किया। गुरुदेव को याद करने के लिए निकले शब्दों ने माहौल को भावुक कर दिया। बरसी सभा से पूर्व 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भवानीगिरी महाराज के स्मरण में सामूहिक कर भावांजलि अर्पित की। पर्यावरण को बचाने के लिए अब न्यायाधीश भी सड़कों पर उतरकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए न्यायाधीश सिद्धार्थ शंकर शर्मा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 7 जुलाई को प्रदेश भर में 4 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सभी को एक पौधा दिया जाएगा ताकि पर्यावरण बचाने का संदेश आम लोगों तक पहुँच सके। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इस प्रोग्राम का आयोजन समस्त राजस्थान में किया जा रहा है। 7 तारीख को सुबह 6 से 7 तक एक रन फॉर रन का प्रोग्राम रखा गया है। लगभग 2.5 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पे भी आयोजित की गई है, जो सर्किट हाउस से प्रारंभ होकर टाउन हॉल तक होगी। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी को एक वन विभाग की ओर से एक पौधा दिया जाएगा, जिससे वृक्षारोपण का संदेश जाए और माननीय हाईकोर्ट की ओर से या सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की ओर से लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण के निस्तारण का सभी से निवेदन किया जाएगा, ताकि जनता का पूरा सहयोग लोक अदालत में जो अभी वृद्धि देखते हैं प्रकरणों का निस्तारण जिस प्रकार से हो रहा है। तो 13 जुलाई को लोक अदालत का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी प्रोवाइड। सर, एक मिनट एक पेड़ कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। जो रिपोर्ट्स आ रही है इसके हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और यदि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए तो संभावना है कि 5 साल में 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, अदरवाइज इंक्रीज बहुत ज्यादा होगा। सर, बाड़मेर के लोगों से क्या अपील है उस दिन सब लोग रन में भाग लें? ये जन हितार्थ कार्यक्रम है, पर्यावरण के प्रति एक अपना